अगर आपको भी इंडिया और श्रीलंका के बीच खेला गया सांसे रोक देने वाला सबसे रोमांचक पहला वनडे मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आज रोहित और कोहली की वापसी के साथ ही टीम इंडिया कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टीम श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों के वनडे सीरीज के पहले मैच में कांटे का घमासान करने के लिए उतरी। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत में सबसे पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब किस्मत चमकी श्रीलंका के कप्तान चरित्र असलंका की और उन्होंने इस महामुकाबले में सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका यह फैसला अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित होने वाला है। श्रीलंका की तरफ से पथुम निशानका के साथ अविष्का फर्नांडो की खतरनाक जोड़ी अपनी टीम के लिए रनों की बरसात करने के लिए आई थी। पहले ओवर की चौथी ही गेंद पर सिराज को थप्पड़ की तरह करारा चौका निशंका ने जड़ दिया था। ऐसा लगा था कि आज यह खिलाड़ी अपने बल्ले से आग उगलने वाला है, लेकिन मोहम्मद सिराज भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। लंका डिस्ट्रॉयर के नाम से मशहूर इस खिलाड़ी ने तीसरे ओवर में वापसी करते ही अविष्का फर्नांडो को अपने जाल में फंसाया, जिनका आसान सा कैच बाउंड्री पर खड़े अर्शदीप सिंह ने लपक कर श्रीलंका को सबसे बड़ा पहला झटका दे दिया था, जहां फर्नांडो केवल 1 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और 3 ओवर में केवल 7 रन बने थे और लंका का पहला बल्लेबाज ढेर हो चुका था। अब पथुम निशान का साथ निभाने के लिए कुशल मेंडिस आए थे। एक तरफ पथुम निशान का सर पर कफन बांधकर आए थे, एक तरफ से यह खिलाड़ी मैदान में चट्टान की तरह डटा हुआ था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के आगे उनका रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था। रंगीन कपड़ों में हमें टेस्ट मैच का रोमांच देखने को मिल रहा था, लेकिन यह दोनों धीरे धीरे एक मजबूत पार्टनरशिप बना रहे थे। 10 ओवर के पावर प्ले में श्रीलंका ने केवल 37 रन बनाए थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उनका केवल 1 विकेट गिरा था। टीम इंडिया उसके बाद कोई भी सफलता हासिल नहीं कर पाई थी और उनके बीच हो रही साझेदारी टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा रही थी। कुशल मेंडिस और पथुम निशान का विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करना शुरू कर चुके थे, लेकिन दोस्तों जैसे ही लंका खेमे में खुशियां आई, 14वें ओवर में रोहित ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए शिवम दुबे को गेंदबाजी में बुलाया और आते ही इस खिलाड़ी ने अपनी पहली ही गेंद पर कुशल मेंडिस का शिकार कर एक बार फिर लंका के खेमे में मातम पैदा कर दिया था। जहां शानदार फॉर्म में लग रहे कुशल मेंडिस केवल 14 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए सदीरा समर विक्रमा आए थे। 14 ओवर में श्रीलंका ने 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, लेकिन उनकी यह मेहनत ज्यादा रंग नहीं ला पाई। 19वें ओवर में अक्षर पटेल ने समर विक्रमा का शिकार कर लंका की कमर तोड़ने की तैयारी कर ली थी, जहां यह खिलाड़ी भी 18 गेंद पर केवल 8 रन बनाकर पेवेलियन लौट गया। एक तरफ से खड़े खड़े पथुम निशान का अपनी टीम की बर्बादी का नजारा देख रहे थे, अब उनका साथ निभाने के लिए खुद कप्तान चरित्र असलंका मैदान में आए थे और आते ही इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले से तो मानो तहलका ही मचा दिया। वह ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर को आड़े हाथों लेते हुए असलंका ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके लगातार 2 गेंद में जड़कर अपने इरादे टीम इंडिया को जाहिर कर दिए थे। इन दोनों ने अपनी धाकड़ बैटिंग से 23 ओवर में श्रीलंका को 79 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन तभी रोहित शर्मा ने एक नई चाल चली। उन्होंने 24वें ओवर में कुलदीप यादव को विकेट की तलाश में बुलाया और इस बार भी उनका यह तीर निशाने पर लगा, जहां कुलदीप यादव ने अपनी 5वीं ही गेंद पर चरित्र असलंका को फंसा लिया। असलंका के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और स्लिप में कड़े कप्तान रोहित ने कोई भी गलती नहीं की और कप्तान के रूप में श्रीलंका को 4था और सबसे बड़ा झटका कुलदीप यादव ने दे दिया था, जहां चरित्र असलंका भी 21 गेंद पर केवल 14 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और 24 ओवर में श्रीलंका ने 91 रन बनाए थे और उनके 4 बल्लेबाज पेवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए थे। लंका के खेमे में मातम था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। गेंदबाजों के विकेटों की आंधी में पूरी की पूरी श्रीलंका तबाह हो चुकी थी। हालांकि इसी बीच निशंका ने अपना अर्धशतक 67 गेंद में पूरा किया और अपनी टीम के लिए सबसे बड़े संकट मोचन बने। उनका साथ निभाने के लिए अब जनित लियांगे मैदान में आए थे। उन्होंने निशंका के साथ मिलकर 26 ओवर में श्रीलंका को 100 रनों तक पहुंचाया, लेकिन श्रीलंका को सबसे बड़ा झटका 27वें ओवर में तो वॉशिंगटन सुंदर ने दिया, जब उन्होंने सेठ बल्लेबाज निशंका का भी शिकार कर आधी श्रीलंका को समेट दिया था, जहां निशंका 75 गेंद पर 9 चौकों की बदौलत 56 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। 27 ओवर में श्रीलंका ने 101 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और उनके 5 बल्लेबाज पेवेलियन लौट गए थे। लंका पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी थी। वे ओवर में अक्षर पटेल ने जनित लियांगे का भी शिकार कर लिया, जहां यह खिलाड़ी 26 गेंद पर केवल 20 रन बनाकर पेवेलियन लौटा, 35 ओवर में 143 रन बनाकर अपने 6 बल्लेबाज गवा दिए थे। अब मैदान में वाणिंदु हसारंगा दुनित बेलालागे का साथ निभाने आए थे।
आते ही उन्होंने तूफानी छक्के से अपना खाता खोला और श्रीलंका को 150 रनों के पार पहुंचाया। ये खिलाड़ी विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करने के इरादे से आए थे। आते ही कुलदीप के खिलाफ छक्का लगाना हो या अक्षर के खिलाफ चौका, हसरंगा को रोकना टीम इंडिया के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा था। लेकिन इस मुसीबत को 43वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने वापस भेजा, जहां हसरंगा 35 गेंद पर 2 छक्के और 1 चौके की बदौलत 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि एक छोर से बेलालगे वन मैन आर्मी की तरह भारतीय गेंदबाजों की नाक में दम किए हुए थे। उन्होंने अकेले ही श्रीलंका को 200 रनों के पार अकेला धनंजय के साथ मिलकर पहुंचा दिया। साथ ही साथ केवल इंतन गेंद पर अपना बेहतरीन अर्धशतक भी ठोक दिया। तो पारी के 48वें ओवर में बेलालगे ने सिराज को निशाना बनाते हुए एक छक्का और एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। हालांकि अंतिम ओवर में अर्शदीप ने अकेला धनंजय का शिकार किया, जहां धनंजय 17 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। लेकिन दुनित बेलालगे ने भारत की नाक में दम कर दिया और अंत तक नाबाद रहते हुए न केवल इस खिलाड़ी ने 50 ओवर में श्रीलंका को 230 रनों के बेहतरीन फाइटिंग टोटल तक पहुंचाया, बल्कि खुद 65 गेंद पर 7 चौकों, 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 66 रन की शानदार पारी खेली। दूसरी तरफ टीम इंडिया के लिए अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने 2-2 सफलताएं हासिल की, वही मोहम्मद सिराज, शिवम दुबे, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर को 1-1 विकेट मिला। अब दोस्तों, पूरी दुनिया सोच रही थी कि टीम इंडिया इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर जाएगी। आखिर हो भी क्यों ना, भारत के पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाजों की फौज थी। दूसरी तरफ श्रीलंका जल्द से जल्द टीम इंडिया को ऑल आउट कर यह मैच जीतना चाहती थी। अब टीम इंडिया के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के इरादे से खुद कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, और आते ही रोहित शर्मा ने पारी की दूसरी ही गेंद पर तूफानी छक्का जड़कर अपने तेवर श्रीलंका को दिखाए। तो चौथी गेंद पर रोहित ने थप्पड़ की तरह एक और करारा चौका लगाया। यह खिलाड़ी तो मानो सिर पर कफन बांधकर उतरा था। दूसरी तरफ शुभमन गिल ने भी कप्तान के पद चिन्हों पर चलते हुए चौकों की झड़ी लगा दी। इसी दरमियान तीसरे ओवर में रोहित शर्मा को एक जीवन दान भी मिला, और यह जीवन दान मिलते ही रोहित शर्मा तो मानो यमराज बनकर श्रीलंका पर टूट पड़े। उनके डेब्यूटेंट गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आड़े हाथों लेते हुए रोहित ने चौथे ओवर में 2 खतरनाक चौके और एक तूफानी छक्का बटोरकर 4 ओवर में ही टीम इंडिया को 40 रनों तक पहुंचा दिया था। अभी से श्रीलंका की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि हिटमैन का कहर उन पर टूटा था। एक बार फिर रोहित अपनी पसंदीदा टीम लंका की धज्जियां उड़ाने का मन बना चुके थे। वनडे में वह T20 की अप्रोच लेकर श्रीलंका के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई कर रहे थे। केवल 5.3 ओवर में ही गिल और रोहित ने 50 रनों की तूफानी पार्टनरशिप बनाकर मैच को अभी से अपनी मुट्ठी में कर लिया था। देखते ही देखते कप्तान रोहित ने केवल 33 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। 10 ओवर में ही उन्होंने टीम इंडिया को 71 रनों तक पहुंचा दिया था। ऐसा लगा था कि टीम इंडिया अब तो आसानी से 10 विकेट से जीत जाएगी, लेकिन तभी श्रीलंका की वापसी का शंखनाद होता है। दुनित बेलालगे ने शुभमन गिल का शिकार कर टीम इंडिया को पहला झटका दिया। जहां गिल 35 गेंद पर 2 चौकों की बदौलत केवल 16 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, तो उनके आउट होते ही 2 ओवर बाद हीरो रोहित शर्मा भी बेलालगे की ही गेंद पर LBW हो गए। वह 47 गेंद पर 7 चौकों और 3 तूफानी छक्कों की बदौलत 98 रन की शानदार पारी खेलकर वापस लौटे। यहां तक कि गिरते विकेटों की आंधी में वॉशिंगटन सुंदर भी केवल 5 रन बनाकर अकेला धनंजय का शिकार हो गए। अचानक से मैच पलटने लगा था, क्योंकि 87 रनों पर टीम इंडिया ने अपने 3 बल्लेबाज गवा दिए थे, लेकिन विराट कोहली ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर टीम इंडिया को संभाल लिया। 18 ओवर में भारतीय टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया, तो उन दोनों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप पनपने लगी। हालांकि वह दोनों ज्यादा लंबी बैटिंग नहीं कर पाए। विराट केवल 32 गेंद पर 24 रन बनाकर हसरंगा का शिकार हुए, तो श्रेयस अय्यर भी 23 गेंद पर केवल 23 रन बना पाए। अचानक 2 बड़े विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया मुश्किल में थी। 29 ओवर में भारतीय टीम ने 147 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। केएल राहुल के साथ अक्षर पटेल मैदान में मौजूद थे, जो टीम इंडिया को आसानी से जीत की तरफ ले जाने का काम कर रहे थे, और उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी। लेकिन तभी हसरंगा ने केएल राहुल को बेलालगे के हाथों कैच आउट कर श्रीलंका की वापसी एक बार फिर इस मैच में कर दी। अब दूसरी तरफ अक्षर पटेल ने भी काफी देर तक अच्छी बल्लेबाजी करी और चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए, लेकिन 167 रन पर पहुंचते ही अक्षर पटेल भी असलंका की गेंद पर कुशल मेंडिस को कैच थमा बैठे। केएल राहुल ने जहां 31 रन बनाए, तो वही अक्षर पटेल ने 33 रन की पारी खेली। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे ने आते ही छक्का लगाकर सबको यह बता दिया कि मैच अभी भी भारत ही जीतेगा। लेकिन कुलदीप यादव 2 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं शिवम दुबे के साथ बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद सिराज। उन्होंने भी भारतीय टीम के लिए जमकर बल्लेबाजी करी। भारतीय टीम लगभग यह मैच जीत चुकी थी, 1 रन जीत के लिए चाहिए था। इस दौरान शिवम दुबे असलंका की गेंद पर LBW आउट हो गए।
दुबे ने अपनी पारी में 24 गेंद खेलकर 25 रन बनाए, तो अब भारतीय टीम को एक रन चाहिए था और एक विकेट बचा था। बल्लेबाजी करने के लिए आए थे अर्शदीप सिंह, और अब 47वें ओवर की 5वीं गेंद पर जो हुआ उसने तो पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। आपको बता दें, अर्शदीप सिंह हीरो बनने के चक्कर में जीरो बन गए। अर्शदीप सिंह को असलंका ने एक स्लो गेंद डाल दी, जिस पर छक्का मारने के चक्कर में अर्शदीप सिंह LBW आउट हो गए और यह मैच टाई हो गया। दोस्तों, पूरा क्रिकेट जगत हैरान है कि भारत यह जीत हुआ मैच ट्राई कर बैठा। लेकिन दोस्तों, टाई होने के बाद मैच सुपर ओवर में चला गया, और फिर इसके बाद पहले बल्लेबाजी करने के लिए श्रीलंका को बुलाया गया। श्रीलंका की तरफ से सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आए वेल लालगे और हसरंगा, और वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह। अर्शदीप ने आते ही पहली गेंद पर हसरंगा को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद अगली गेंद पर एक रन बना और तीसरी गेंद पर चौका आ गया। चौथी गेंद पर एक ही रन आया, लेकिन पांचवी गेंद पर वेल लालगे ने छक्का जड़ दिया। आखिरी गेंद पर 3 रन लेकर सुपर ओवर में श्रीलंका की टीम ने 16 रन बना डाला। भारतीय टीम को अब जीत के लिए 17 रन चाहिए थे। वहीं भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल। श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी करा रहे थे हसरंगा। दोस्तों, रोहित शर्मा ने आते ही पहले ही गेंद पर छक्का लगाकर सबको बता दिया कि अब यह मैच भारतीय टीम ही जीतेगी। जीत के लिए भारतीय टीम को 11 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद पर सिर्फ एक ही रन आया। तीसरी गेंद पर गिल ने 1 रन लेकर स्ट्राइक फिर से रोहित शर्मा को दी। वहीं इसके बाद चौथी गेंद पर एक भी रन नहीं आया। भारत को अब जीत के लिए 10 रन चाहिए थे। इसके बाद रोहित शर्मा ने हसरंगा की गेंद पर सीधा बॉलर के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर भारतीय टीम की जीत की उम्मीदें और बढ़ा दी। और फिर अंतिम गेंद पर जीत के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए थे। रोहित शर्मा स्ट्राइक पर खड़े थे। हसरंगा ने एक स्लो गेंद रोहित शर्मा को डाली, जिस पर रोहित शर्मा ने एक बार फिर लॉन्ग ऑन की तरफ हवा में गेंद को मार दिया। ऐसा लग रहा था रोहित शर्मा कैच आउट हो जाएंगे, लेकिन गेंद सीधा स्टेडियम में चली गई और यह छक्का हो गया, और भारतीय टीम ने यह मैच सुपर ओवर में जीतकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, रोहित शर्मा की बल्लेबाजी की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा सबसे खतरनाक बल्लेबाज है। लेकिन आप सभी रोहित शर्मा की खतरनाक बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।